हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी जो आपकी स्किन को हेल्दी और हमेशा मॉइस्चराइज रखेगी। तो ये रेमेडी आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल पर कई जगहों पर देखा होगा, लेकिन आप लोगों को इसके फ़ायदे शायद उतने ना पता हों। तो ये जो रेमेडी है, इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी। अगर आप मेरी स्किन देखें तो मैंने एक बहुत ही ठीक है हल्का सा यहाँ पर बहुत ही लाइट एक फाउंडेशन की लेयर जो है वो लगाई हुई है, ठीक है, लगाई हुई है। और मेरी स्किन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है, क्योंकि खुद मैं इस रेमेडी को ट्राई करती हूँ और पहले मैं ट्राई करने के बाद ही आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, समर्स का सीज़न है और समर्स में हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड टाइप भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा रूखी सूखी स्किन भी लगती है। तो ऐसे में आप ऐसा क्या करें कि आपकी स्किन हेल्थी रहे, मॉइस्चराइज रहे? इसका एक तो एक तरीका है कि आप पार्लर जाके ठीक है कुछ कुछ टाइम में पार्लर जाएँ, वहाँ अपना फेशियल करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। आप ये एक तरीका अपना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और एक दूसरा तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसे खुद मैं भी ट्राई करती हूँ अपने स्किन पर, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। और इसके आपके स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। आप इसे ठीक है कितना भी अपने स्किन पर लगा लीजिए, कितनी बार भी लगा लीजिए, ये आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ ठीक है आपकी स्किन को हेल्दी ही बनाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस रेमेडी को बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिससे ये रेमेडी बनती है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेसन लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बेसन है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से यहाँ पर दूध की। अगर कोशिश करें कि दूध जो है वो बॉइल्ड ना हो, कच्चा दूध आप लें तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, वरना अगर आप नॉर्मल दूध भी जैसा भी हो आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक होती है, तुम्हारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर भी हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ इन्ग्रीडियंट है वो है ये एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट वाला नहीं है तो आप अपना जो घर में हम अपने गमलों में उगाते हैं एलोवेरा जेल, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसका ये एलोवेरा जेल जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है यहाँ पर मेरे पास ये हनी, ठीक है। आप ये थोड़ी सी ड्रॉप आपको इस इंग्रेडिएंट में डालनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस इंग्रेडिएंट को बनाकर दिखा देती हूँ, इस रेमेडी को किस तरीके से ये बनती है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो बेसन वाला बोल है इसमें आपको लेना है आपके बेसन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा यहाँ पर मिल्क लेना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा टर्मरिक, बहुत ज़्यादा ना डालें, सिर्फ थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्रॉप रोज़ वाटर के। थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ये हनी। इसके अलावा अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल्स हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
विटामिन ई कैप्सूल्स जो है हमारे स्किन को हेल्थी रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल्स है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लेमन की कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो डाल सकते हैं, तो मैं इसमें लेमन वाला पार्ट जो है स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप उन्हें डाल देते हैं तो भी ये मोर देन सफिशियंट है इस रेमेडी के लिए। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी जो रेमेडी है वो बनकर रेडी हो गई है। देख लीजिए काफ़ी अच्छा इसका जो कलर है वो आया है, और ये कलर हमें टर्मरिक की वजह से मिला है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब आपको इसे क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि दिन में 1 से 2 बार आप इसे अपने स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें, और ऐसा आप अगर 1 से 2 वीक तक कर लेते, अगर आप मंथ पूरा मंथ वाइज कर लेते हैं तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे 1 से 2 वीक अपने स्किन पर रेगुलरली ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपकी स्किन में मिलेगा। यकीन मानिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी, और जो हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड टाइप की लगती है वो डिहाइड्रेटेड भी हमारी स्किन नहीं लगेगी। तो अब आपको एंड में क्या करना है, आपको लेना है, आप इसे हाथ से भी अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक ब्रश का मदद से, आपको एक ब्रश लेना है और एक ब्रश की मदद से आपको आपकी स्किन पर इस तरीके से इसे पूरे तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो ये एक फेस पैक आप लोगों ने देखा होगा, हम फेस पैक अप्लाई करते हैं अपने स्किन पर और कुछ टाइम उसे अपनी स्किन पर रखते हैं और फिर हम उसे वॉश कर देते हैं। इसी तरीके से इसे क्या करना है, आपको पूरे स्किन पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा दिया है। आपको इसी तरीके से पूरे स्किन पर अप्लाई कर लेना है, अगर आप चाहते तो अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके थोड़ा देर आपको 10 से 15 मिनट इसको अपने स्किन पर रखना है ताकि ये जो पूरा लिक्विड है टेक्सचर है वो सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर में धो देना है। ठीक है, तो आफ्टर ऐसा अगर आप 1 से 2 वीक करते हैं तो 2 वीक बाद, वैसे तो आपको इसका रिजल्ट फर्स्ट पहली बार में ही आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इसे पहली बार ट्राई करेंगे, लेकिन 1 से 2 वीक बाद का जो रिज़ल्ट आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यकीन मानिए आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी, और आपको बार बार ये पार्लरों के चक्कर जो है वो नहीं मारने पड़ेंगे। तो ये रही तो ये रेमेडी मैं आप लोगों से कहूँगी, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इस रेमेडी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो मैं जा रही हूँ, मैं भी इसको अपने इस पूरे स्किन पर अप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।